तो हम लोग अब फटाफट से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं सारे स्टेप्स को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्रूड ड्रग लिया, ठीक है। क्रूड ड्रग लेने के बाद उसके बाद हम लोगों ने उसका साइज़ रिडक्शन किया। साइज़ रिडक्शन करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उस क्रूड ड्रग को थिम्बल में डाला। थिम्बल क्या था, थिम्बल एक पाउच था जो कि हम लोग या तो फिल्टर पेपर से बना सकते हैं या फिर हम लोग रेडीमेड थिम्बल मार्केट से ले सकते हैं, ठीक है। थिम्बल को ड्रग में डालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, उस थिम्बल को हम लोगों ने इस एक्सट्रैक्शन ट्यूब में डाल लिया। ये एक्सट्रैक्शन ट्यूब है एंड दिस वन इज थिम्बल, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ट्यूब में हम लोगों ने थिम्बल डाल दिया। अब थिम्बल डालने के बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, राउंड बॉटम फ्लास्क जो है, ये हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें हम लोग सॉल्वेंट डालेंगे। ये जो ब्लैक कलर का है, ये सॉल्वेंट भी है, एक्सट्रैक्ट भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे सबसे पहले, ठीक है। हम लोगों ने सॉल्वेंट डाल दिया राउंड बॉटम फ्लास्क में। अब क्या करेंगे, हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है, ये जो सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म है, ये हीट करने पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब ये जो सॉल्वेंट है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो वेपर आउटलेट ट्यूब है या फिर इसको हम लोग साइड आर्म भी बोल सकते हैं, इसके थ्रू पास होगा और कंडेंसर में पहुँच जाएगा, ठीक है। कंडेंसर में पहुँचने के बाद जो वेपर था हमारा, ठीक है, मतलब कि सॉल्वेंट पहले लिक्विड फॉर्म में था, हम लोगों ने हीट किया, हीट करने पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद साइफन के थ्रू कंडेंसर में पहुंचा। अब कंडेंसर में पहुंचने के बाद ये जो वेपर फॉर्म में जो सॉल्वेंट था वो वापस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, ये बूंद बूंद करके इस यहाँ पे एक्सट्रैक्शन, ये जो एक्सट्रैक्शन चैम्बर है हमारा, इसमें गिरेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। हमारी जो ये जो हमारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग, इसके बाद क्या होगा कि ये जो है ना, ये जो एक्सट्रैक्ट आया ना, ये तब तक राउंड बॉटम फ्लास्क में नहीं जाएगा, तब तक ये जो हमारी एक्सट्रैक्शन ट्यूब है वो और ये जो हमारी साइफन ट्यूब है, ये दोनों पूरी की पूरी इस एक्सट्रैक्शन नहीं भर जाती। जैसे ये जो हमारी एक्सट्रैक्शन ट्यूब है और ये जो हमारी साइफन ट्यूब है, ये दोनों की दोनों फुल हो जाएगी एक्सट्रैक्ट से, वैसे ही हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो इस साइफन ट्यूब के थ्रू पास होता हुआ हमारा जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले से हमारा सॉल्वेंट यहाँ पे था ही, अब हमारा एक्सट्रैक्ट भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब फिर से वापस प्रोसेस वही रिपीट होगा, मतलब कि जो हमारा एक्सट्रैक्ट जो है वो तो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क में ही रहेगा, लेकिन जो हमारा सॉल्वेंट है वो फिर से वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद ये जो है वेपर आउटलेट ट्यूब या फिर जिसको हम लोग साइड आर्म भी कह सकते हैं, इसके थ्रू पास होगा, कंडेंसर में पहुंचेगा। कंडेंसर में पहुंचने के बाद वापस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप करके हमारा जो एक्सट्रैक्शन ट्यूब है इसमें गिरेगा, ठीक है। और उसके बाद जब ये फिल हो जाएगी एक्सट्रैक्शन ट्यूब और साइफन हमारी एक्सट्रैक्ट से, तो उसके बाद ये जो एक्सट्रैक्ट है वो राउंड बॉटम फ्लास्क में वापस से आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस हम लोगों को तब तक करना है जब तक हमारी जो ड्रग है वो डिग्रेड नहीं हो जाती, एग्जॉस्ट नहीं हो जाती, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि ड्रग खत्म, मतलब पूरा का पूरा ड्रग एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो जब हमारा जो साइफन है उसका जो लिक्विड है, ठीक है, वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तब हम समझ जाएंगे कि हमारी जो पूरी की पूरी जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट था क्रूड ड्रग का, वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। सो दिस वॉज द कम्प्लीट प्रोसेस ऑफ सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मैथड।